कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने ऐलान किया कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। ये टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में बनेगा और इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को स्वतः संज्ञान लिया है। वही डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन से पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप हो गई है। डॉक्टर्स के संगठन देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंच गए हैं। वो मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए देखे गए। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए जघन्य अपराध की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुनवाई हुई इससे एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाने के बजाय सच दबाव का काम कर रही है। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुसाइड की शक्ल दी गई पहले, प्रिंसिपल ने तुरंत पेरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंतजार करवाया गया, हमने देखा है कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी डिले करवाया गया और पेरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई। उल्टा हमने ये भी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वो इस प्रिंसिपल को प्रमोट करने का रहा। स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल रहा वहां सबूत मिटाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम करवाने का रहा।